हाय गाइस, आई एम प्रवीण एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। आज की हमारी टॉपिक है कि बिना फ़ोन को स्विच ऑफ किए तथा फ्लाइट मोड किए अपने फ़ोन को नॉट रीचेबल कैसे करें। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के फ़ोन से बार बार इरिटेट हो जाते हैं और उससे बात नहीं करना चाहते और चाह कर भी नंबर स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर स्विच ऑफ करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये हमें इग्नोर कर रहा है या और कुछ कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बचता है कि फ़ोन को नॉट रीचेबल कर दें। वैसे गाइस, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट इन फ्यू कंडीशन ऐसा ना चाहते हुए हमें करना पड़ता है। तो इसके दो ही तरीके हैं। एक पहला तरीका होता है कि क्या कर रहे हैं हम, अपने फ़ोन की बैटरी, फ़ोन को बिना स्विच ऑफ किए अपने फ़ोन की बैटरी निकाल दें। ऐसे क्या होता है, फिर हमारा फ़ोन नॉट रीचेबल जान लगता है। बट इस टाइम ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जितने भी सारे फ़ोन आ रहे हैं सब में बैटरी इनबिल्ट है। सो आप बैटरी तो निकालना पॉसिबल है नहीं, और आप अगर फ़ोन को फ्लाइट मोड करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो सामने वाले को बंदे को पता चल जाएगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है और जानबूझ के फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा है। तो आइए हम सेकेंड तरीके से जानते हैं कि बिना फ़ोन को स्विच ऑफ किए तथा फ्लाइट मोड किए फ़ोन को नॉट रीचेबल करें। तो आइए गाइड वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सिम कार्ड व मोबाइल नेटवर्क पर जाएंगे। फिर आप देख रहे होंगे ऊपर शो कर रहा है जियो 4G, उस पर जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पे जाएंगे और जाके यहाँ देखिए दिखा रहा है सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली, इसको हम मैनुअल करेंगे। देखिए गाइस, मैनुअल करने के बाद ये नेटवर्क सर्च मार रहा है। देखिए ये नेटवर्क को सर्च कर रहा है गाइस, अब ये सर्च ही कर रहा है गाइस। जैसा कि देख रहे हैं नेटवर्क सर्च मार के मेनू भी आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सिम होगी उसके अपोजिट सिम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मेरी जियो की सिम है तो मैं एयरटेल या वोडाफोन सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपकी वोडाफोन की सिम है तो आप जियो या एयरटेल सेलेक्ट करना। तो गाइस, मेरी जियो की सिम है तो मैं वोडाफोन या एयरटेल सर्च कर लेता हूँ, वोडाफोन डॉट इन कर लेता हूँ। अभी देखिए रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर ऑन वोडाफोन इन 4G। गैस, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने वोडाफोन 2G या वोडाफोन 4G नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, जो कि मेरा जियो। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो इस नेटवर्क को रिजेक्ट कर देगा और उठाएगा नहीं। ऊपर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं सिम नो सर्विस सेलेक्ट नेटवर्क वोडाफोन डॉट इन अवेलेबल। ऐसा करने से क्या होगा गाइस, हमारे फ़ोन का नेटवर्क चला जाएगा और अगर हमारे फ़ोन पर कोई कॉल करेगा इस ड्यूरिंग में तो हमारा फ़ोन नॉट रीचेबल आएगा, ना कि स्विच ऑफ दिखाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कमेंट व अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।